अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हाउ आर यू माय फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ सॉफ्ट पार्टी मेकअप शेयर करूँगी, नहायत ही इजी टेक्निक्स से। तो सबसे पहले मैंने अपनी मॉडल के प्राइमर लगा दिया था, देन मैं अब ग्लैमर फेस का ओरिएंटर लगा रही हूँ इनके डार्क एरियाज पे, एंड देन मैं 36 नंबर की क्रायलॉन की स्टिक यूज़ करूँगी इनके फुल फेस पे। ये मेरी मॉडल भी हैं एंड मेरी क्लाइंट भी हैं, ये इन्हें मेरा मेकअप बहुत पसंद है, तो इन्होंने सोचा कि अब क्यों ना अपनी इवेंट्स वगैरह में भी हमारे पॉलर से तैयार हुआ जाए। तो फिर मैंने सोचा चलें आप लोगों के लिए वीडियोस भी बना लेते हैं। तो 36 नंबर की क्रायलॉन की स्टिक मैंने इनके फुल फेस पे अप्लाई कर दी थी विद द हेल्प ऑफ कट ब्यूटी ब्लेंडर एंड अप्लाई टैपिंग मोशन। ओके, प्लीज़ डू नॉट रब योर बेस ऑन योर फेस बिकॉज ये जहाँ पर भी फिर आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे वहाँ से आपका बेस हटता जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं रहेगा, इसलिए टैपिंग मोशन में आप बेस अप्लाई किया करें। फिर मैंने इनकी आईब्रोज फिलअप करी और इप्सपुली से स्मूथ करी, एंड देन इनका फेस इतना स्मूथ लग रहा है। अभी बेस सेट होने के बाद इनके मैंने फुल फेस पे फेयर कॉम्पैक्ट अप्लाई कर दिया, एंड देन अब मैं वाटर शेड यूज़ करूँगी विद द हेल्प ऑफ वेट फिंगर एंड अप्लाई कर देंगे हम फुल आई बॉल पे अच्छी तरीके से। और ये वाले शेड जो होते हैं वेट शेड, इनको बस लाइट सा अपनी फिंगर को या ब्रश को लाइट सा वेट किया करें, ये नहीं क्या भर भर के उसमें पानी लगा लें, ठीक है। इससे ये कि फिर आप लाइट वेट करेंगे तो अच्छी तरीके से एप्लीकेशन होंगी और बहुत ज़्यादा ये फिर चमकता भी है आइस पे अप्लाई के बाद। देखें अभी मैं खाली एप्लीकेशन कर रही हूँ तो कितना प्यारा ये चमक रहा है। और ये जो मैं गोल्डन कलर का शेड यूज़ कर रही हूँ, वेट शेड यूज़ कर रही हूँ, ये क्रायलॉन कंपनी का है। आप सिंपल ये गोल्डन शेड लगा के, इस पर शिमर लगा के भी अपनी पार्टी एंजॉय कर सकते हैं, भी बहुत प्यारा मतलब एक पार्टी लुक में आ जाता है। अच्छा, सॉफ्ट मेकअप कर रहे हैं तो अब हम लाइट ब्राउन शेड लेके इनके सॉकेट एरियाज पे अप्लाई किया है एंड हैंड टू हैंड ब्लेंडिंग करती जा रही हूँ, ठीक है। आप इस जगह के वे ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते हैं, रस कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब कॉर्नर पे मैंने लाइट सा रस शेड लेके इनके कॉर्नर से सॉकेट एरियाज पे अप्लाई किया है, एंड देन डार्क चॉकलेट ब्राउन शेड कॉर्नर पे लगा रही हूँ मैं आइस के, एंड इसे हाफ क्रीज पे ब्लेंड किया है। क्रीज लाइन पे जो मैंने पिंक और रस कलर का शेड यूज़ किया है उसके साथ अच्छी तरीके से मर्ज कर दूंगी ताकि ये कि कोई सा भी शेड अलग से नज़र ना आए। ब्लेंडिंग मस्त ज़रूरी है आपके प्रोफेशनल मेकअप में, और अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी है तो समझिए आपका मेकअप नीट एंड क्लीन और बहुत ही प्यारा नज़र है। फिंगर की वजह से मैं इनकी ब्लैक कॉर्नर बनाऊँगी, बिल्कुल लाइट से ब्लैक कॉर्नर देने हैं, डार्क नहीं देने, क्योंकि हम सॉफ्ट लुक मेकअप क्रिएट करना है, ठीक है। अब ब्लैक मैंने कॉर्नर दिए हैं, एंड देन इसे मैं अगेन अपने ब्राउन कलर के साथ जो मैंने चॉकलेटी ब्राउन शेड लिया उसके साथ ब्लेंड कर दूंगी, और आप देखिएगा कितना प्यारा सॉफ्ट सा मेकअप लगेगा ये। अभी आपको डार्क लग रहा होगा, अभी जैसे जैसे ये स्किन पे पेनिट्रेट होगा, सेटल होगा, बहुत ही प्यारा लगेगा ये सॉफ्ट मेकअप। एंड देन अब मैं इनके गोल्डन शेड जहाँ पे मैंने यूज़ किया है आई बॉल पे इनके सीरल लगाने के बाद शिमर लगा रही हूँ। शिमर मैंने इनके डार्क गोल्डन एंड लाइट गोल्डन, अब दोनों डल गोल्डन एंड डार्क गोल्डन दोनों अप्लाई किया है, और ये आईज़ जब ब्लिंक करेंगी तो ये बहुत ज़्यादा शिमर इनका इन्हेंस होगा और बहुत ही इनकी आँखों का मेकअप अच्छा लगेगा। अब ये जो कॉर्नर मैंने ब्लैक दिए थे इसको मैं ब्लेंडिंग करते हुए सॉकेट एरियाज की तरफ लेके आ रही हूँ विद द हेल्प ऑफ मीडियम ब्रश। आप चाहें तो इस मेकअप को थोड़ा डार्क भी कर सकती हैं, मगर मेरी क्लाइंट, मेरी मॉडल बहुत यंग है, बहुत टीनेजर्स की हैं, तो इनको सॉफ्ट मेकअप पसंद है, तो मैंने इनको सॉफ्ट मेकअप करके दिया। अब मैं पिंक कलर का शेड इनके लोअर लैश पे अप्लाई कर रही हूँ फिंगर की मदद से, इससे ये ज़्यादा पॉप आउट होता है शेड। अगर आप ब्रश से अप्लाई करना चाहती हैं तो ब्रश से भी कर सकती हैं, तो मैं तो दोनों तरीके से अप्लाई कर देती हूँ। इट्स टोटली अप टू यू आप किस तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट वाटर केक लाइनर यूज़ करूँगी वाटरप्रूफ बना के। वाटरप्रूफ बनाने के लिए आप इसमें सीलर ऐड करके फिर आप एप्लीकेशन करें तो वाटरप्रूफ बन जाता है।
क्योंकि जितने भी जेट ब्लैक लाइनर आ रहे हैं आपको पता है बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो आपका जो ब्लैक केक लाइनर है इसमें आप फ्यू ड्रॉप्स सीलर के डालें और ज़ीरो नंबर के ब्रश से आप एप्लीकेशन करें, ये वाटर प्रूफ बन जाता है। आप अप्लाई करके देखिएगा और अगर टीयर्स वगैरह आ जाते तो ये फैलता नहीं है। ये आपके लिए टिप ऑफ द डे हो गया है। और अब मैं इनके लाइशेज़ अप्लाई करूँगी। सिंपल लाइशेज़ नहीं है ये, 3D लाइशेज़ हैं, आजकल आपको पता है ट्रेंडिंग में बहुत हैं ये। इन तो 3D लाइशेज़ लगाई हैं मैंने विद द हेल्प ऑफ ग्लैमर फेस। एंड देन ब्रो बोन को हाईलाइट करेंगे सिल्वर गोल्ड शेड से, एंड इनर आइज़ को भी इसी से सिल्वर गोल्ड शेड से हाईलाइट करेंगे फ्लैट ब्रश की मदद से। ये स्मॉल फ्लैट ब्रश है, इसको मैंने थोड़ा सा वेट किया है एंड देन अप्लाई किया है। इससे बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट आता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और बहुत प्यारा ये शिमर जो है इसमें वो ग्लो करता है। आप जब भी अपनी एप्लीकेशन किया करें तो कोशिश किया करें कि वो फिंगर की मदद से करें। उसे ये है कि एप्लीकेशन ब्लेंडिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, और अगर मुश्किल हो रही है आपको तो आप ब्रशेस का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं टेराकोटा यूज़ करूँगी। टेराकोटा मैंने पिंक शेड यूज़ किया है ताकि ये कि थोड़ा जैसे काशीज लुक आता है पिंक शेड में, आपने देखा होगा उनके पैलेट में इतने प्यारे शेड्स हैं तो ऐसे ही पिंक लुक आता है थोड़ा सा ग्लो करता हुआ। तो मैंने इसलिए टेराकोटा यूज़ किया है ताकि सेम वैसे ही लुक आए जैसे कारीशीज की पैलेट यूज़ करने से आता है। ये रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। अगेन मैं अपने लाइनर को रिफ्रेश करूँगी एंड देन अब मैं नोज़ कंटोरिंग करूँगी लाइट सी, और चिक्स मैंने पहले ही थोड़े लाइट ब्राउन शेड से इनकी कंटोरिंग कर ली थी ताकि ये कि इनकी पिक्स वगैरह और इनके फीचर और इन्हेंस हो। एंड देन मैं काशी इसका वाटर प्रूफ जेट ब्लैक मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, नहीं तो आप बॉब का मस्कारा भी ले सकते हैं और ग्लैमर फेस का भी बहुत अच्छा है। अब तो डिफरेंट कंपनीज आ गई हैं, उनके भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है मगर आप वाटर प्रूफ अप्लाई किया करें। ठीक है, मोस्टली मैं ज़्यादातर काशीज का यूज़ करती हूँ। ऑलमोस्ट मेरा आईज़ मेकअप डन हो गया है। अब मैं लिप फिलअप करूँगी डार्क ब्राउन शेड से एंड मैं फिर हाइलाइटिंग एरियाज़ पे हाईलाइट करूँगी विद द हेल्प ऑफ फैन ब्रश। फिर आप इसका लास्ट में लुक देखिएगा। अब ये मैं ब्राउन शेड इनके लिप फिक्सर लगा रही हूँ एमलाई का, ये बहुत ज़बरदस्त शेड है। एमलाई के भी बहुत प्यारे लिप शेड्स हैं एंड वाटर प्रूफ शेड्स हैं। अब मेरी मॉडल की मैं हेयर स्टाइलिंग करूँगी। सिंपल मैंने इनके ट्विस्ट स्टाइल दिया है बोथ साइड्स, एक तरफ से थोड़ा सा पुल अप तरीके से दिया है, सेकंड साइड नॉर्मल दिया है। एंड स्ट्रेटनिंग करी है मैंने इनके बालों को। स्ट्रेट करने के बाद इनका फाइनल लुक देखिएगा एंड लाइक शेयर कमेंट्स माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।